अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी बताऊंगी। बिल्कुल छोटी सी रेमेडी है, लेकिन ये रेमेडी आपके जो नाक पर या चिन पर, हमारे चीक्स पर जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारी नोज़ पर होते हैं और चिन पर होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये मिक्सर बहुत अच्छा है। सिर्फ आपने इसका एक थिक सी इसकी लेयर लगाएंगे आप, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव होंगे विदाउट एनी पेन। आप इजीली घर पर इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मैं चीज़ ऐड करूँगी वो है फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। राइस फ्लोर इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून। राइस फ्लोर आपका ना सिर्फ कलर फेयर करता है बल्कि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है। इसके अलावा इसे काफ़ी अच्छी हम स्क्रब तैयार करते हैं, जो कि आपके फेस पर से जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करके आपकी स्किन को काफ़ी फ्रेश एंड ग्लोइंग बनाता है। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर ऐड किया। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो हम इसमें ऐड करने लगे हैं वो है हनी, यानी कि शहद। 1 टेबल स्पून आपने इसमें हनी ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मिक्सर बिल्कुल रेडी है। इसको आपने एक से थिक लेयर आपने लगानी है अपनी नोज़ पर, अपनी चिन पर, जहाँ जहाँ पे आप ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं उस जगह पे आप इसको अप्लाई कर दें। इसके अलावा पूरे फेस पर लगाना चाहें तो पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। थोड़ी देर के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपके नोज़ के इस मास्क के ऊपर से ब्लैक हेड्स को आप इजीली देख सकेंगे कि वो किस तरह से रिमूव हो रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर घर में ट्राई करके देखें। बिल्कुल छोटी सी रेमेडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ब्लैक हेड्स को और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।